बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रियाज किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजलो करम से। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बहुत डिलीशियस से पाए हैं जो कि सर्दियों के लिए स्पेशल होते हैं, सर्दियों की स्पेशल रेसिपी में शामिल होते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत इजी और सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ हम आपको मज़ेदार से भज्जे के पाए वाली रेसिपी देने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त बनेंगे इंशाल्लाह ताला, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी राय से भी आगाह कर दीजिएगा। सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ हम अपने मज़ेदार से पाए की तैयारी की तरफ चलते हैं। पायों को हम कुकर में बनाएंगे, बहुत ज़बरदस्त से बनने वाले हैं, बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं। जो पाए हमारे पास मौजूद हैं उनको पहले हम कुकर में अच्छे से गला लेंगे, ठीक है। ये बहुत देर में गलते हैं इसलिए हम इनको पहले इनको हम इसको गलाते हैं। पाए ऐड करेंगे कुकर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने पाए ऐड कर दिए इसमें, ठीक है। पाया ऐड करने के बाद हम इसमें बाकी मसाले डाल देंगे। प्याज डाल देंगे, एक बड़ी प्याज हमने यहाँ पे कट करके रख ली थी, एक प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन है हम लोगों के पास, हमने मोटा मोटा उसे कूट लिया है, ठीक है। एक पूरा लहसुन, ये राउंड अबाउट 1.5 चम्मच लहसुन बनता है हमारे पास, ठीक है। ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा बचा लूँगी ऐट दी एंड एंड के लिए, ठीक है। हल्दी ऐड कर देते हैं इसमें, 1/4 टेबल स्पून हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर जाएगा, 1 टेबल स्पून सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जैसे भी आपको पाएगी क्वांटिटी के हिसाब से आप इसको ऐड कर लीजिए। तमाम मसाले ऐड करने के बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दिया, थोड़ा सा और ऐड करेंगे, ठीक है। पानी ऐड करने के बाद इसको कुकर को बंद करके हम रख देंगे, ठीक है। और इसको अच्छे से गला लेंगे जब तक के पाए हमारे अच्छे से नहीं गल जाते, ठीक है। तब तक हम इसे गलाएंगे। हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि मज़ेदार से ये भज्जे के पाए सब मज़ेदार से अपने घर में ट्राई कर सके। जी जनाब, मैंने इसको 1 घंटे तक कुकर में कुक किया है। कुकर में कुक करने के बाद मैंने इसको अलग से डेगची में निकाल चुकी हूँ मैं। हमारे पाए बहुत ज़बरदस्त से गल चुके हैं। इसकी बेहतरीन निशानी ये होती है कि जो पायों का गोश्त होता है वो हड्डी छोड़ दे, ठीक है। ये इसकी बेहतरीन निशानी है, ठीक है। हमारे पाए बहुत अच्छे से गल गए हैं, ठीक है। अब इसको शोरबा इसका गाढ़ा होने तक इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर हम कुक करेंगे। 4 से 5 मिनट तक हमने इसको कुक किया। कुक करने के बाद अब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। हम बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडा होके और भी गाढ़ा हो जाता है, बहुत थिक हो जाता है तो वो फिर इसका टेस्ट नहीं आता सही से, ठीक है। अब ये यहाँ तक ये कुक हो चुका है, अब मैं इसको अलग से इसको रख दूँगी, चूल्हे से उतार दूँगी। यहाँ पे 1/2 कप हमने ऑयल ले लिया है, ठीक है। ऑयल में अब मैं इसमें मैंने प्याज चॉप कर लिया थोड़ा सा, ठीक है। छोटी 1/2 प्याज है, मैंने इसको चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, ठीक है। उसको हम अच्छा सा बघार लगाएंगे, इसको लाइट ब्राउन कर लेते हैं, ठीक है। बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस, यम्मी से हमारे पाए तैयार हो रहे हैं। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। ये ब्राउन हो चुका है प्याज, अब मैं इसमें लहसुन ऐड कर रही हूँ। लहसुन ऐड करने के बाद मैं हमारे पास कुटा हुआ लहसुन है ऐड कर दिया। इस टाइम पे आके हरी मिर्चें हैं, अदरक है, ऐड कर देते हैं, ठीक है। और अब हम इसको हमारे मज़ेदार से पाए बिल्कुल तैयार हैं। अब इसे जीरा ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं। जीरा है हमारे पास सफ़ेद जीरा, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा है, इसको उसमें ऐड कर दिया।
ज़ीरा ऐड करने के बाद हमारे पाए बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ज़बरदस्त से बहुत मज़ेदार डिलीशियस पाए। इसको डिश आउट कर लेते हैं। लीजिए जनाब, हमारे मज़ेदार से डिलीशियस से पाए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बहुत मज़ेदार हैं, बहुत यमी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपनी राय से भी आगाह करते रहिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। और दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।